तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप लोगों के लिए आज नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आप लोगों ने बहुत मांगा कि टोटल कॉस्ट क्या हुई, क्योंकि भाई लोग टोटल कॉस्ट हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि कोई कोई चीज़ जेन्युइन डलवाता है, कोई डुप्लीकेट डलवाता है, तो इससे थोड़ा सा बहुत टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्या क्या चेंज करवाया, क्या क्या डुप्लीकेट डलवाया है, और क्या क्या नया डलवाया, क्या क्या न्यू मॉडल वाला डलवाया, और इसका टोटल कॉस्ट एंड में बताऊंगा, इस वीडियो के बीच बीच में बता दूंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कि कौन कौन सी वीडियो चाहिए जरूर बताना। और ये सबसे लोडेड बाइक होगी पूरे पंजाब में, किसी के भी ये वाली स्विचेज नहीं लगे होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रा और नए मॉडल में आती हैं वो वाली स्विचेज हैं। ठीक है, इसको सेटिंग कराने में, वायरिंग सेटिंग कराने में भी थोड़ा सा कॉस्ट आ जाता है, ठीक है, 500-600। चलो गाइस, अभी इसके सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। सो आप लोगों ने टोटल कॉस्ट के वीडियो बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले मैं पीछे से शुरुआत करता हूँ। इससे मैंने ये वाली बैक लाइट डलवाई है, क्योंकि 2008 मॉडल में दूसरी चोर शेप की वो आती थी, हेडलाइट बैक लाइट आई थी, तो इसके मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर दे दूँगा। ठीक है, सो इसमें चारों इंडिकेटर नए डलवा लें। ये वाली किट है ना, पूरी न्यू मॉडल वाली डलवाई है, 2021 वाली। ये रॉयल फील्ड का स्टिकर, ये जेन्युइन स्टिकर है, देख सकते हैं आप सब, यहाँ पर प्रॉपर लेमिनेशन ऊपर भी हुई हुई है। और इसकी न्यू सीट है, न्यू मॉडल वाली सीट, ऑल जेन्युइन पार्ट है। ठीक है, न्यू शॉकर्स, ये अलॉय व्हील विद टायर, कुछ 11,000 के थे। ठीक है, हमने जेन्युइन पेंट करवाया, ये चेन किट, ये सब कुछ पेंट हुआ है, ये चेन किट, ये चेन सेट और डिस्प्ले, ये सब नया डलवाया है, ये फुल बफिंग हुई है, किक ब्रेक वही है बस दोबारा पेंट करवाया है, ये ऑल रबड़, ये वाली रबड़ A to Z चीज हमने जेन्युइन डलवाई है। और इसकी ये टैंक भी न्यू मॉडल वाला डलवाया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हॉर्न हमने ये रूट्स वाले डलवाए हैं। ठीक है, और इसकी टैंक में मोनोग्राम ओल्ड मॉडल वाले हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसके नए वाले मोनोग्राम लगवा लूँ, नए मॉडल वाले मोनोग्राम यहाँ पर भी दोनों साइड पे, और यहाँ पर पीछे बक्से पे भी, यहाँ पर भी नए मोनोग्राम आते हैं ना जो रबड़ के होते हैं, न्यू मॉडल में वो वाले डलवा लूँ। और भाई ये बैटरी के कवर पर मैं कुछ स्टिकर डलवाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी। ठीक है, मेरे एक स्टिकर इस तरफ, और मैंने इसका ये वाला फुल गियर बॉक्स भी नया डलवाया है, ये किक ब्रेक और ये किली होते हैं, इसको किली कहते हैं, इससे सभी गियर एक वक्त पर ही न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये फुल नया डलवाया, इसमें किली ब्रेक और गियर साथ में आया है। ठीक है, ये न्यू कार्बोरेटर A to Z क्यू न्यू, ये सी बैंड पाइप एंड फ्री फ्लो सिलेंसर है, इसको मिनी पंजाबी लोग कहते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं, अलॉय व्हील वही है, ये चीज़ बफिंग रही है, न्यू शॉकर, अंदर रोड भी वही जेन्युइन है, बट उसमें ऑयल चेंज हुआ है, और ये वाली चीज, माफ़ करना भाई जाए, ये वाली चीज़, ये क्लम्प न्यू डलवाए हैं, ये पत्ती सभी न्यू है, मगराट को पेंट हुआ है, ये सभी चीज़ पेंट है। इसमें न्यू मॉडल वाली हेडलाइट डलवाई है, देख लो बड़ी चूड़ी वाली है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें एक न्यू नीचे एक स्विच भी है, एक मिनट भाई लोग दिखाता हूँ, देखो नीचे भी एक लाइट है, और इसमें मैंने ये ब्लू वाली डलवाई है। ठीक है, और इसमें न्यू मॉडल वाला मैंने मीटर डलवाया है, और आप लोग देख सकते हैं 87 किलोमीटर चल चुका है। अभी इसका रिव्यू दूंगा मैं, कितने दिन हो गए कब से, ये नट पापा को नया वाला डलवाना था, इसलिए इसके कैप साथ है, कैप लगवा के रखता हूँ मैं। ठीक है, और न्यू मॉडल वाला एम्पियर मीटर, ठीक है, ये न्यू मॉडल वाली स्विच, ऑल किट न्यू मॉडल वाली है, इसके न्यू मॉडल वाले मैंने ये डलवाए हैं। ठीक है, ये वाली स्विच डलवाई हैं, ये हैंडल बार हैंडल ये न्यू डलवाया है। ठीक है, ये वाली चीज़ न्यू डलवाई है, फुल स्विच गियर ओल्ड मॉडल वाले हैं। ठीक है, इसका हैंडल क्लासिक का है भाई, आप लोग सामने से देख सकते हैं, ये क्लासिक वाला हैंडल है, क्लासिक का हैंडल है भाई। मैंने इसके
ये थोड़ा सा ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये क्लासिक का डलवाया, नहीं तो लोग स्टैंडर्ड का ही डलवाते हैं। और ये अगर आप न्यू टैंक लगवाते हो जी, ये वाली चीज़ है, ये भी नहीं लगेगी, ठीक है। उसके साथ बहुत कुछ होता है, सॉरी भाई पीछे कोई आ गए इसलिए मैं बोल नहीं पाया। ये नंबर प्लेट हमने बड़ी बड़ी डलवाई है, ठीक है। इसका नंबर अभी आया नहीं है इसलिए नहीं लगाया हुआ। और आप लोग मुझे बताइए कि मैं ये वाले मोनोग्राम लगवाऊं कि यही ठीक है, ये बता दीजिए, ये वाले मोनोग्राम लगवाऊं कि ये वाले। और मैंने इस पर स्पेशल ये क्रोम वाला स्टैंड लगवाया, साइड स्टैंड लगवाया है, ठीक है, स्पेशल डिमांड पर। नहीं तो नॉर्मली ब्लैक डलवाते हैं अपने, बट स्पेशली ये इसका कोई रीज़न है मैं बाद में बताऊँगा। फुल बफिंग हुआ है, ठीक है। इसकी टोटल कॉस्ट मैं बताता हूँ, जैसे 11,000 के और मोटी मोटी सी बता देता हूँ, ठीक है। 11,000 के ये लोई भी लो टायर आए दोनों, ठीक है। ये फुल जैसे एसेसरी, ये मीटर, ये हैंडल, स्विचेस, ब्रेक, लीवर्स, एक्सलेटर, कबर्ड, फुल कवर कुवर ये डलवा कर आए हैं। कुछ 60 से 80 हज़ार के बीच बीच में फुल एसेसरी आई है, ठीक है, नंबर पर लगवा कर, ठीक है भाई लोग। और ये फुली रिस्टोर है, इसकी टोटल कॉस्ट 1,80,000 से लेकर 2,00,000 के बीच बीच में आई है, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ नया मॉडल वाला डलवाया, क्योंकि ये वाला भी पीस नया डलवाया है। ओल्ड मॉडल का ये वाला पीस सिर्फ 300 का है, ठीक है, सॉरी टोटल फुल ये वाला और ये वाला 400 का है, ठीक है। बट न्यू मॉडल वाला ये दोनों मिलाकर 850 के पड़ जाते हैं, ठीक है, इसलिए महंगे है। ये सीट नई मॉडल वाली आती है इसलिए नए मॉडल वाली डलवाई है, ठीक है, नहीं तो ओल्ड मॉडल वाले के यहाँ पर बुलेट लिखा होता है, ठीक है भाई लोग। और एक मिनट, और इसके मैंने चारों इंडिकेटर साथ में चलते हुए करे हैं, देख सकते हैं आप, चारों इंडिकेटर साथ में चलेंगे। ये वाला सिस्टम भी मैंने करवाया है, ठीक है, ये सोच सच भी बीच में ही आई है। और तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, का आपको साउंड भी चेक करवा देता हूँ मैं इसमें। बस देखो पहले इसको सेंट सुई को एक बार पंप देकर साइड में करना और धीरे से, सॉरी भाई लोग ये स्विच भी ऑन कर मैं भूल गया था। देखो पहली किक में स्टार्ट होगा, आप लोग इसका साउंड चेक करवाते हैं, देखो गाइस ये सभी स्विचेस वर्किंग है गाइस, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट आ गई इसमें। टोटल 1,80,000 से लेकर 2,00,000 के बीच बीच में कॉस्ट आई है। और अगर वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और आप लोगों को इस बुलेट पर और कौन सी वीडियो चाहिए, किस टाइप की वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसी टॉपिक पर नहीं ये वीडियो लाता रहूँगा जल्दी से जल्दी, ठीक है, कोशिश करूँगा। और अगर आपको कैसी लगी बुलेट तो ज़रूर